तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करके आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, बहुत इजीली लोन ले सकते हैं। एंड इस लोन को लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन या पेपर साइन पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बेसिक स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप इस लोन को ईजिली ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र हब पे स्वागत है। अगर आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए या फिर घर की मरम्मत कराने के लिए, फैमिली वेकेशन या फर्नीचर परचेज करने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो आप कुछ विकल्पों का प्रयोग करके इनका लाभ उठा सकते हैं। उसमें से एक पर्सनल लोन और व्यक्तिगत ऋण है। पर्सनल लोन एक असुरक्षित लोन होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और इस लोन को इस्तेमाल करने की कोई सीमा नहीं होती है। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आइए जान लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं पर्सनल लोन के। तो पहला पॉइंट आता है, इसमें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यह एक असुरक्षित लोन होता है और इसके लिए आवेदक को किसी भी तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। इस लोन के लिए कागजी कार्रवाई बहुत आसान होती है। आसान कार्यकाल होता है, यानी कि आप 1 से 7 साल तक के कार्यकाल को चुन सकते हैं। यानी कि लोन लेते समय यह आपको निश्चित करना है कि लिया हुआ ऋण आपको कितने वर्षों के अंदर उस कंपनी को वापस करना है। इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं होती इसमें। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस ऋण यानी कि पर्सनल लोन को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। अन्य लोन के विपरीत आप जहाँ चाहें इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट आता है टैक्स कंसेशन। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। यदि आप घर की मरम्मत के लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोन में ब्याज वाले हिस्से पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि इस पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इन दिनों पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आसान हो चुका है। आप paisabazaar.com पर कुछ ही मिनटों में पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के तरीके कुछ इस प्रकार हैं। वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जा करके वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और वहां से ईजिली आप अपने अकॉर्डिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और उसमें आपको बहुत सारे लोन्स के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, माइक्रो लोन, बिजनेस लोन, ट्रांसफर पर्सनल लोन, होम लोन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि paisabazaar.com पे आप जैसे ही जाएंगे, देन स्टेप टू आपका ये रहेगा, लोन सेक्शन पर जाने के बाद पर्सनल लोन को सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको पर्सनल लोन को चुनना है। इसके बाद आपको अपने व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आपका नाम, आपका पता, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो आपको भरनी है। आपको ये जानकारी भी देनी होगी कि आप कितना लोन चाहते हैं, लोन की अवधि यानी कि लोन का टाइम पीरियड, कितने टाइम तक आपको लोन चाहिए, आपकी मासिक आय यानी मंथली सैलरी आपकी कितनी है, आपके द्वारा वर्तमान में दी जा रही EMI, यदि आपने इससे पहले लोन लिया है तो आपको उस फॉर्म में उस चीज़ का उल्लेख करना होगा। ये सब जानकारी देने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें। तो पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल कर रखी हैं अपने अकॉर्डिंग कि मुझे 10,000 लोन चाहिए, तो मैंने 10,000 यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है। देन उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा गया है, तो मैं सैलरीड हूँ इसलिए मैंने सैलरीड सेलेक्ट कर रखा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में पूछा गया है कि मेरी मंथली इनकम कितनी है, तो आप 25 से अब भी डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपकी करंट सिटी जहाँ आप रह रहे हैं, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैंने लखनऊ फिल कर रखा है। देन आपकी जो सैलरी आती है, किस बैंक में आती है, वो आप यहाँ मेंशन कर दिए। देन आप किस कंपनी में काम करते हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दिए, XYZ मैंने ऐसे ही फॉर एग्जांपल डाल रखा है। देन उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद कुछ आपके पास में दूसरा UI ऐसा आएगा और इसमें आपको जितने ऑप्शंस दिए हैं सारे मैंडेटरी हैं, ज़रूरी भरने हैं। करंटली EMI आप कितनी पे कर सकते हैं वो आपको डालना है, आपका नाम, जेंडर, आपका पिन कोड जहाँ आप रह रहे हैं, करंट आपका जो रेजिडेंस है वहाँ का पिन कोड पड़ेगा, आधार नंबर या पैन नंबर इसमें पूछा गया, तो आपको इसमें पैन नंबर मेंशन करना है, DOB मेंशन करना है। देन
आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, टेन्योर पीरियड अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा, ये भी अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, रेजिडेंस टाइप भी अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, और लास्ट में जो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लोन, तो मुझे जैसे बेसिकली चाहिए एजुकेशन एक्सपेंस के लिए, तो मैं यहाँ पे आके एजुकेशन के लिए सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दूंगा नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में एक OTP आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने इसमें डाल रखा है, और OTP डालने के बाद में आपके पास में कुछ ऑफर्स आ जाएंगे, आप ऑफर्स के अकॉर्डिंग अपना लोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ईजिली आप लोन पा सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स policybazaar.com के, और वहाँ जाके आप इजीली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको इजीली लोन मिल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।